ओके गाइस, वेलकम टू माय चैनल शोभ यात्रा। मतलब आपके बॉडी को सेंटर ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम उतनी अच्छी है नहीं, तो इसलिए मुझे रियली डर। ओके गाइस, तो आज मैं हूँ वेस्ट कोस्ट में और मैं यहाँ स्केटिंग कर रहा हूँ वेस्ट कोस्ट में। यूजुअली मैं ईस्ट कोस्ट जाता था, बट आज मैं यहाँ वेस्ट कोस्ट आया हूँ। तो ये सारे इक्विपमेंट पहन के मैं रेडी हूँ, ये मेरी शूज़ आप देख सकते हो। तो मैं अभी स्केटिंग करने वाला हूँ यहाँ पे, तो सारे सेफ्टी इक्विपमेंट मैंने लगा लिए हैं। और उसके बाद जो मेन सेफ्टी इक्विपमेंट है वो मैं लगाने जा रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड हेलमेट। सो ये मेरी हेलमेट है। आई एम ऑन व्हील्स, सो हियर आई एम गोइंग नाउ, जस्ट वॉच इट। और ये मैं आपको यहाँ के व्यूज दिखा रहा हूँ थ्रू स्केटिंग। ओके गाइस, मैं ये ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बता रहा था। तो ये मेरी स्केटिंग शूज़ है और ये हील ब्रेक है। सो नॉर्मली जो कोई भी, अगर सपोज करो स्केटिंग में मास्टर हो चुके हैं या जिनको स्केटिंग बहुत अच्छी आ रही है, वो ये ब्रेक लगाते नहीं है। ये बिगनर के लिए है। मतलब एज लॉन्ग एज यू हैव द कॉन्फिडेंस, देन यू डोंट नीड टू यूज़ दिस एंड यू कैन रिमूव दिस फ्रॉम योर शूज़। हाउएवर सिंस मैं बिगनर हूँ तो मैं ये ब्रेक यूज़ करता हूँ। तो ये हील ब्रेक है। हील ब्रेक लगाने के लिए जैसे आप इसे ऐसे ऐसे ये आप इसे ड्राइव कर रहे हैं, तो हील ब्रेक लगाने के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा। मतलब आपके बॉडी को सेंटर ऑफ ग्रेविटी में ला करके और बैलेंस करके आपको ये ऐसे ऐसे टिल्ट करोगे तो ये जो हिस्सा है ये रोड पे टच होगा, जिसके कारण वो सरफेस से टच होने के बाद ये स्पीड स्लो होगी। तो आप सोचोगे कि अगर एकदम से ऐसे लगा करके और वो एक अचानक से रुक जाएगी, ऐसा होता नहीं है। आपको स्पीड कम करनी पड़ेगी, मतलब मीन्स बार बार आपको ऐसे ऐसे ये डाउन और ये अप, ऐसे टो को डाउन करना पड़ेगा, हिल को डाउन करना पड़ेगा, तब जाके ये ब्रेकिंग सिस्टम काम करेगी। तो ये इसको बोलते हैं हिल ब्रेक। हिल ब्रेक में क्या प्रॉब्लम है कि अगर आप काफ़ी तेज़ी से आ रहे हो तो सिंस आपको पहले से ही स्पीड स्लो करनी पड़ेगी, इसलिए जल्दी वो काम नहीं करेगा। मतलब उतना स्लो नहीं होगा ये, और इट माइट बी दैट यू कैन हिट समवन। सो इसके लिए टी ब्रेक यूज़ होता है। टी ब्रेक मीन्स ये आपकी शूज़ है, ये आपका आई एम टेकिंग पेयर ऑफ शूज़। तो ये शूज़ ऐसे चल रहा है और ये दोनों आपके लेग्स हैं। उसके बाद आपको ये टी ब्रेक ऐसे लगानी पड़ेगी, मतलब ये लेग को लेकर के ऐसे लगानी पड़ेगी, तो ये टी शेप बनता है। तो ये अगर आप देखोगे टी शेप बनता है, जिसको बोलते हैं टी ब्रेक। तो टी ब्रेक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इसमें आप इमरजेंसी ब्रेक लग सकते हो। तो टी ब्रेक मुझे आती नहीं है अभी, मुझे सीखना है। सो आई एम ट्राइंग टू लर्न द टी ब्रेक, एंड एज लॉन्ग एज आई मीन एज सून एज आई लर्न द टी ब्रेक, देन आई कैन ईजली स्टॉप, इवन दो आई एम इन फास्ट मोशन, सो इट डजंट मैटर, आई कैन ईजली स्टॉप माई स्केट। सो वही मैं कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल तो आज मैं स्केट कर रहा था, तो अभी मैं और थोड़ा कर रहा हूँ। थोड़ा सा थक गया था, काफ़ी ह्यूमिडिटी है, सो इसलिए मैं रुक गया था। तो थोड़ा अभी रेस्ट करने के बाद में अभी मैं वापस जा रहा हूँ स्केट करने, और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सो टिल द टाइम जस्ट इन्जॉय दिस ब्यूटीफुल, एंड आई विल बी गेट बैक इन 5 मिनट्स।
यूजुअली मुझे स्केट करने में तब सबसे ज़्यादा डर लगता है जब कोई बच्चा आगे चल रहा हो, क्योंकि मेरी ब्रेकिंग सिस्टम उतनी अच्छी है नहीं, तो इसलिए मुझे रियली डर लगते रहता है उन लोगों से कि कहीं मैं उनको हिट ना कर दूँ। थोड़ी देर और मैं स्केटिंग करूँगा, उसके बाद मैं बंद कर दूँगा। ऑलमोस्ट 1 आवर से मैं स्केटिंग कर रहा हूँ, सो आज के लिए काफ़ी है। मैं पिछले हफ्ते आया नहीं था स्केटिंग करने, सो आफ्टर 2 वीक्स आई एम डूइंग दिस। लेट्स सी, स्केटिंग करने में यार बहुत एनर्जी लगती है, ऐसा लगता है कि एनर्जी है नहीं, एनर्जी लगती नहीं है, बट स्केटिंग करने में बहुत एनर्जी लगती है। सो आई होप मेरी ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और मैं ये ब्लॉग को करने जा रहा हूँ एंड। और इसी के साथ आपके राइट हैंड साइड में जो सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब कोई भी मैं लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो डालूँ तो वो अपडेट आप तक पहले पहुँचे। सो नेक्स्ट वीक में मैं प्लान कर रहा हूँ फिर से कोई अच्छी सी नेचुरल प्लेस पे जाने का, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक। एंड यस, FB पे मेरी पेज है शुभ यात्रा करके, सो उसे फॉलो करना ना भूले। और तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें, हैप्पी संडे, एंजॉय विद योर फैमिली, टेक केयर, विल सी यू नेक्स्ट वीकेंड संडे, बाय बाय।